नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय टाइम है वो है 5:35 और आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं जो इटावा से नहर गुजरी है उसी के बगल में। आपको बता दें कि ये नहर अभी 2 दिन पहले बिल्कुल सूखी थी, इसमें पानी नहीं था और काफ़ी लंबे समय से पानी नहीं था, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान थे। मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाला था जो मैंने 2 दिन पहले ही शूट किया था और किसान से बात की थी, तो वो भी जो किसान थे वो इस बात से परेशान थे कि जो पानी है वो नहीं आ रहा है और इसकी वजह से हमारे खेतों में जो फसल है उसकी जो सिंचाई है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस समय जो नहर है वो पूरी तरीके से आ चुकी है और ये जो पानी आप जानते ही हैं कि ये पानी हरिद्वार से गंगा नदी के माध्यम से होते हुए इस नहर में आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय अभी बिल्कुल सुबह है और 5:40 हुए हैं, लगभग 5:35-5:40 हुए हैं और बिल्कुल अभी तक सूर्य नहीं निकले। हाँ, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये जो हल्का हल्का सा है जो सूर्य का निकलने का अंदेशा होने लगा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारी चहल पहल बढ़ जाती है और जून का महीना है, इस वजह से हाल में ही जो भी 2 दिन पहले 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है साल का, तो अभी अब दिन घटना धीमे धीमे शुरू होगा, तो अभी बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। अब आने वाले समय में थोड़ा देर में सुबह हुआ करेगी। तो आपको बता दें कि इस समय जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। इटावा में 212 केस हो चुके हैं, 200 से ऊपर केस हो चुके हैं और आपको बता दें कि अभी भी केस बढ़ रहे हैं हर दिन, कभी 10 निकल रहे हैं, 16 निकल रहे हैं, 22 निकल रहे हैं और इटावा के अलग अलग इलाकों से निकल रहे हैं, जो पॉपुलर इलाके हैं उनसे भी निकल रहे हैं। तो अब ये कंडीशन ये आ गई कि लोगों को ज़्यादा से सतर्क किया जा रहा है कि अब ज़्यादा सावधान रहें, मास्क लगा कर रखें और ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का भी पूरा समय, तो मैं अपना मास्क तो साथ में लाया हूँ, अभी हटा दिया बात करने के लिए। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि इटावा में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, 200 से ऊपर केस हो चुके हैं और अब ऐसा बिल्कुल ये बात सही है कि जब शुरुआत में पूरे देश में 300 केस, जब 100, 150, 200, 300 केस जब हो रहे थे तो लोगों में इतना डर था, इतना एक वो माहौल था, लेकिन अब वो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इटावा में जब सोचिए उस दौरान बिल्कुल केस नहीं थे, 1-2 केस थे, तब कितना ज़्यादा सख्ती थी और लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। हालांकि वो भी जो लॉकडाउन की स्थिति थी वो भी ज़रूरी थी, लेकिन अब जब केस इतने ज़्यादा हो गए, इटावा में ही 212 केस हो गए हैं, 200 से ऊपर केस हो गए हैं, फिर भी अभी लोग इतने जागरूक नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब कोरोना शुरू हुआ था, पूरे देश में 300 केस थे, तब आदमी बहुत डर रहा था और अपने आप को सुरक्षित कर रहा था, घर में पैक था, और अब जब इटावा में 212 केस हो गए, आपको लग रहा है लापरवाही थोड़ी सी या फिर लोग कम जागरूक हो गए हैं? लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं मतलब, अच्छा, ये आपको ऐसा लग रहा है कि अब चिंता कम हो गई है पहले से? चिंता बढ़ गई है। अच्छा, बढ़ गई है। सॉरी, सुबह बताया जल्दी भाई, पहले चक्कर में मास्क लगाना हो गया। अच्छा, वो कोई नहीं, उससे शुद्ध वायु भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, भाई ठीक, चश्मे तो है नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन करी जाए। लेकिन वही, लेकिन वो है, जरूर है कि थोड़ा जल्दीबाजी नहीं, वो आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये है कि अभी अब उतना ज्यादा वो नहीं रह गया है ना? नहीं, रह नहीं गया है, तो उससे डर कम हो गया, तो उससे बढ़ गया है। अच्छा, डर बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छा अच्छा, डर बढ़ा है। ठीक भैया, नाम क्या दादा आपको? वीरेंद्र सिंह यादव। अच्छा दादा, ये बताओ कि अबे जो कोरोना चल रहा है, आपको लोग कितने लग रहे कि कितने जागरूक हैं बाकी लोग? कम से कम भाई, भाषा जो चल रहा है, भाषा कम से कम 80% जागरूक, 80% जागरूक हैं। अच्छा, जैसे मास्क को लेके और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेगी थी, दूरी बना के रखो, ऐसा भी लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत? कर रहे हैं। अच्छा, सुबह अभी आप आते हो तो काफी लोग टहलने आते होंगे? हाँ, बहुत लोग आते हैं। अच्छा, टहलने आते हैं ना। अभी इटावा में 212 केस हो गए और जिसमें मतलब 90 लोग तो जो रिकवर हो गए हैं, लेकिन 100 लोग हैं जो अभी भी संक्रमित है और 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 8 लोगों की,
तो आपको लग रहा है कि लोगों में शुरू जब हुआ था, जब आया था कोरोना, तब डर ज्यादा था, अब कम हो गया लोगों में? हाँ, अब कम है ही, घर से बहुत कम है। अब मेन चीज है आदमी घर भी परेशान हो जाते बैठे बैठे घर से निकल ही नहीं सकते। परेशान हो, एक दो महीने बैठ के दिमाग खराब होने लगा रहे हैं। ठीक है, बताएं कि जो इटावा में केस हैं उसमें 100 से ज्यादा अभी एक्टिव केस हैं और लगभग 94 जो हैं केस वो रिकवर हो चुके हैं और 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो केस अब धीमे धीमे हर जगह बढ़ रहा है, इटावा ही नहीं पूरे भारत में बढ़ रहा है। अब लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कहीं भी जाएं आप थोड़ा सा ख्याल रखें, डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैसे भी सुबह लोग अभी टहल रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये जो नहर दिख रही है आपको इटावा से गुजरने वाली, सुबह सुबह लोग इसके किनारे टहलते हैं और भी सारी कई सारी एक्टिविटीज करते हैं। कुछ लोग दौड़ लगाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने किसी एग्जाम की, किसी भर्ती की, तो वो दौड़ लगाने भी आते हैं। और यहाँ का माहौल कभी, जब अब नहर में जैसे पानी तो काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है इसके किनारे जब आप घूमेंगे। अगर आप दोपहर में भी आएंगे तो बाकी जगहों की अपेक्षा, पूरे शहर की अपेक्षा, इस नहर के किनारे थोड़ी सी आपको ठंडक मिलेगी। तो आप जैसा देख सकते हैं कि समय यहाँ से बाइक निकल रही हैं और कई सारी चीज़ें लोग आना जाना कर रहे हैं और इस यही रोड का इस्तेमाल करते हैं लोग, जो यहाँ के आसपास के खेत हैं वो यहाँ से नई मंडी में सामान ले जाने के लिए करते हैं। और इस समय मैं देख रहा हूँ आप जो खजूर के पेड़ देख रहे हैं, ये सारे खजूर के पेड़ हैं और इस समय इन पर खजूर लगे हुए भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे खजूर के पेड़ हैं। और आप एक चीज देखेंगे कि इटावा की नहर के किनारे ये सीनरी जो है, ये दृश्य जो है बड़ा ही अच्छा लगता है। आप देखिए तो ऐसा लगता है किसी समुद्र के किनारे हों और किनारे इस खजूर टाइप के पेड़ खड़े हुए हैं। तो आपको जैसा कि बता रहे थे कि आपको खजूर दिखाएंगे, तो इस पे देखो आप हल्का हल्का से देख रहे होंगे जो खजूर लगे हुए हैं। बिल्कुल आपको जो फोटो में देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा है लाल लाल सा, वो खजूर है। इनका यूज वैसे यहाँ पर तो पता नहीं खाते कैसे कौन लोग हैं, तोड़ते होंगे जिनका भी बाग हो या फिर जिनके खेत के बगल में ये होंगे, वो लोग खजूर को तोड़ते होंगे, खाते होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुबह सुबह यहाँ पर शानदार लगता है बैठना। और अभी इधर से सूर्योदय होने वाला है कुछ ही समय बाद। सूर्योदय होगा तो हम आपको दिखाएंगे सूर्य को निकलते हुए भी, और अगर यहाँ से दिखता है तो आप देख सकते हैं कि पूरा इस समय जो एक ठंडा ठंडा माहौल है सुबह का, 6:45 बज रहे हैं अभी लगभग। दोस्तों एक ये छोटा सा ब्लॉग था आज मैंने बनाने की कोशिश की, और कोशिश करूंगा कि आगे से इसी तरीके के कुछ और ब्लॉग्स बनाए जाएं ताकि आपको इटावा की उन जगहों से और परिचित करा सकें जो अभी तक छूट गई थी या फिर हम जिनके बारे में कई बातें नहीं जानते। कई बार हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कई चीज़ें जो हैं इटावा के बारे में वो हमें नहीं पता होती। मुझे भी जैसे इस नहर के बारे में ये नहीं पता था कि इसमें जो पानी है वो गंगा से आता है और इसको गंगा नहर बोला जाता है। तो कई सारी बातें खोजेंगे कुछ ऐसी बातें और आपके पास, आपके सामने वो बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।